मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो खास उन व्यक्तियों के लिए है, खास उन लोगों के लिए है जो सदैव यही प्रश्न करते हैं कि दिवाली की रात ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जप करके वह पूरे वर्ष, पूरी जिंदगी लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उस मंत्र के बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों। अगर आप दिवाली से जुड़ी और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि 12 अक्टूबर को काला अष्टमी यानी भैरव अष्टमी, 12 ही अक्टूबर को होई पूजा, 15 अक्टूबर को रामायण एकादशी, 16 अक्टूबर को गोवर्ष द्वादशी, 17 अक्टूबर को धनतेरस और 19 अक्टूबर की दीपावली, इस संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप नीचे लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस मंत्र जाप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल गट्टे की माला की ही जरूरत है और कोई भी माला इस मंत्र के लिए नहीं चलेगी। और आसन आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीले रंग का। अगर आपके पास पीले रंग का आसन नहीं है तो कोई भी बाजार से सादा पीले रंग का कपड़ा लेकर आ सकते हैं और उस पर आसन बनाकर उस पर बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसमें आपकी दिशा रहेगी पश्चिम यानी वेस्ट। वेस्ट दिशा में आपने मुख रखना है, पश्चिम दिशा में मुख रखना है और बताए जाने वाले मंत्र का जाप करना है। मित्रों, इसमें आपको गुलाब के फूल चाहिए होंगे जो कि आप माता लक्ष्मी को भेंट करेंगे और स्वच्छ मिठाई चाहिए होगी क्योंकि दिवाली के समय में सभी के घरों में लगभग मिठाइयां होती ही हैं। और अगर उन्हें मंत्र जाप के लिए कोई मंत्र दो और पूजा विधि बताओ तो वो घर से ही मिठाई उठाकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देते हैं, उन्हें भेंट कर देते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, एकदम स्वच्छ मिठाई चाहिए, बेशक थोड़ी सी आप ला सकते हैं क्योंकि किसी और के पैसों की ये चीज नहीं चलती। प्रसाद केवल अपने ही पैसों का चढ़ाए तो फलदायी होता है। आप थोड़ी सी मिठाई ले आइए बाजार से। मित्रों, अगर यह कार्य आप अपने मंदिर के आगे करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने किसी एकांत में बैठना है या किसी ऐसी जगह बैठना है जहाँ आपको कोई देखे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें आप अपने मंदिर के आगे बैठकर भी यह कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद उन्हें चढ़ाकर, गुलाब के फूल चढ़ाकर इस मंत्र जाप को पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, सिर्फ एक कोशिश करिए कि जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, देवी लक्ष्मी अपने स्वामी विष्णु के चरणों में बैठी हैं। अगर ऐसी छवि आपको मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा जैसा हो रहा है सही हो रहा है, माता लक्ष्मी सब देख रही हैं। अब उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं जिस मंत्र का आपने जाप करना है। इस मंत्र जाप की कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई समय की अवधि नहीं है कि आपने इसी समय बैठना है या इतने ही समय बैठना है। आपकी जितनी क्षमता हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उतना बैठिए, उतना इस मंत्र को जपिए, यह आप ही के लिए लाभकारी है। तो आइए चलते हैं और उस मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम हरे श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। ओम हरे श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। यह चमत्कारी मंत्र आप जितना जप सकिए जपे। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार के मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
ओम नमो नारायण।